रोज के नाश्ते से हो गए हैं बोर, तो चलिए कुछ नया हम बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजू और आपका मेरे चैनल सात्विक कढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मूंग दाल और चावल से कम तेल में एक नया नाश्ता बनाएंगे, जो खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे और उसमें 3 ग्लास चावल रखेंगे। आप कोई भी माप ले सकते हैं। हमने एक छोटा सा ग्लास लिया है क्योंकि हमें 2 लोगों के लिए ही नाश्ता बनाना है। 3 ग्लास चावल में हम 1 ग्लास छिलके वाली मूंग की दाल लेंगे। ये देखिए ऐसी दिखती है ये छिलके वाली मूंग की दाल। सबसे पहले हम चावलों को मिक्स कर लेंगे और अच्छे से चुनकर साफ कर लेंगे और इसके बाद इसे हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए हमने वॉश कर लिया है। अब हम इसे पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देंगे। हमने इसे ओवरनाइट भिगोया था क्योंकि हमें इसे ब्रेकफास्ट में बनाना था। हमने चावल और दाल को पहले से भिगो के रखा है जिससे समय की बचत हो। भिगोने के बाद हमने इसका पानी निथार लिया और इसे अच्छे से फिर से वॉश कर लिया। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा रख डालेंगे और इसे बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए चावल, दाल, हरी मिर्च और अदरक का हमने पेस्ट बना लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। हमने इसमें 1/2 टीस्पून नमक मिलाया है। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून मीठा सोडा मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई धनिया पत्ती मिलाएंगे, 1 टमाटर बारीक चॉप किया हुआ मिलाएंगे। टमाटर को एकदम बारीक काटेंगे। 2 टेबल स्पून बारीक कसा हुआ गाजर मिलाएंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को फेंटते हुए मिक्स कर लेंगे। फेंटने से ये फ्लफी हो जाता है। हमने बैटर को फेंट लिया है। अब हम गैस ऑन कर उस पर एक तवा रखेंगे और उसे गर्म होने देंगे। तवा गर्म हो चुका है। अब हम इस पर 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इस पर 2 बड़े चम्मच घोल डालेंगे। आप जैसा साइज बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बैटर डालें। अब इसे हम फैला देंगे। आप मोटा या पतला जैसा भी खाना चाहें उस हिसाब से इस बैटर को फैला दें और इसे कवर कर देंगे। कवर करने से ये जल्दी से सिक जाता है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसके पलटने की बारी है। अब हम 1 टीस्पून इस पर वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा और वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और दबा दबा कर अच्छे से सेक लेंगे। ये जितना ही गोल्डन सिकेगा उतना ही क्रिस्पी बनेगा और टेस्टी भी लगेगा। आप इस नाश्ते में चाहें तो और भी वेजिटेबल मिला सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, क्रश किए हुए मटर के दाने। आप इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। आप इसमें जितनी सब्जियां डालेंगे उतना ही ये पौष्टिक बनेगा। आप नॉनस्टिक तवे पर बनाएंगे तो इसमें और भी कम तेल लगेगा। ये देखिए लगभग रेडी हो चुका है। अब ये दोनों ओर से सिक गया है। अब हम इसे 1 प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे चीला का भी नाम दे सकते हैं, उत्पम का भी नाम दे सकते हैं। ऐसे ही हम सारे चीले बना लेंगे। ज़्यादातर बच्चे सब्जियां खाना नहीं पसंद करते हैं। आप इस चीले में सब्जियों को काट कट कर मिला देंगे तो बच्चे आसानी से खा लेंगे और बहुत पसंद से खाएंगे। आप ये चीले ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या फिर इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं। आप बच्चों को स्कूल में लंच भी दे सकते हैं। बच्चों के नाश्ते के लिए ये हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन रहेगा। ऐसे ही हमने सारे चीले बना लिए हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे।
चिले को हम प्लेट में सर्व करेंगे। आप इसे टोमेटो सॉस, चिली सॉस, हरी धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे दही के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल पे आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। मेरी रेसिपीज को दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी नई नई रेसिपीज़ बनाने में मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।